होम टूर नहीं कराया है जो मैं जल्दी है एक एरिया गुड मॉर्निंग गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है संडे और आज हम सुबह सुबह उठ के इस बेहतरीन मौसम का मजा लेने आए, क्योंकि आज मॉन्ट्रियल में मौसम बहुत अच्छा है, काफ़ी सनी है और ठंड आ चुकी है, और ठंड में सनी जब मौसम होता है तो बहुत मज़ा आता है ना। तो उसका सुबह का मज़ा मैं ले रहा हूँ वर्कआउट के साथ। तो अभी जस्ट वर्कआउट स्टार्ट किया है और आज मैं दिखाता हूँ कैसा व्यू है मेरे रूफ टॉप से। जिम बिल्डिंग में होने का बहुत फ़ायदा है, मतलब फील आता है कि पर्सनलाइज्ड है, जब मन तब आ सकते हैं ऊपर और कर सकते हैं, बट फिर भी हम नहीं आ पाते, सो सैड। तो वर्कआउट सेशन के बाद मैं बाहर आके जनरली मॉर्निंग में ऑक्सीजन लेता हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि एयर बहुत प्योर है यहाँ पे। तो जब मैं यहाँ पे मतलब आता हूँ बाहर, ऑक्सीजन थोड़ा मतलब इनहेल करता हूँ तो मुझे अच्छा फील होता है, एंड इवन इट्स बेटर फॉर रिकवरी। तो मैंने अभी तक अपना होम टूर नहीं कराया है जो मैं जल्दी ही कराने वाला हूँ। मेरा प्लान है कि शायद मे बी आज तो मुझे थोड़ी जल्दी है क्योंकि मुझे निकलना है कहीं पे। प्लान कर रहा हूँ कि थोड़ी शॉपिंग वगैरह के लिए बाहर निकलूँगा मे बी, क्योंकि ब्लैक फ्राइडे सेल आने वाला है। तो मैं देखना चाह रहा था कि मार्केट में क्या चेंजेस आए, मतलब न्यू स्टॉक्स आ रहे हैं, या मे बी ब्लैक फ्राइडे आया तो कुछ जगहों पे अभी ऑलरेडी सेल स्टार्ट हो चुका है। तो जाऊँगा, देखूँगा, एक्सप्लोर करूँगा, कुछ अच्छा लगा तो लूँगा। बेसिकली मुझे इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने हैं, तो देखता हूँ मुझे क्या अच्छा मिल पाता है। तो ये है मेरे रूफ टॉप से व्यू। ऑलमोस्ट इस एरिया में हमारी बिल्डिंग सबसे ऊँची बिल्डिंग है और ये है मेरा रूफ टॉप। पहले यहाँ पे इस एरिया में सिटिंग एरिया था, तो सोफ़े वगैरह लगे होते थे ताकि आप आके समर के टाइम चिल कर सको यहाँ बैठ के, बट अभी हटा दिया है। और ये भी संडे को यूज़ किया करते थे जनरली लोग यहाँ पे, जो कि अभी फ़िलहाल बंद है क्योंकि ठंड आ चुकी है भाई साहब बहुत अच्छी खासी। तो ये है हमारा एक्चुअली काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंस रूम, यहाँ पे जनरली अगर आपको कोई छोटी मोटी मीटिंग करनी है तो आप कर सकते हो, या फिर कोई गैदरिंग है आपके रूम मतलब कॉन्डो के अंदर, तो आप यहाँ पे लोगों के साथ बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो। और ये एरिया जो एक्चुअली मेरा हाथ इंगेज था तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे तो ये है एक एरिया जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ चिल आउट कर सकते हो। ये बेसिकली जनरली यहाँ पे रूफ़ पे होता है, तो रूफ़ एरिया में ऐसा स्पेस देते हैं ताकि लोग अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे पार्टी वगैरह कर सकें। पूरा किचन का जो आपका सेटअप है वो भी यहाँ मिलता है। सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स जो आपको अपार्टमेंट के साथ मतलब मिल जाती है। और फाइनली मैं रेडी होके निकल गया हूँ, थोड़ी बहुत विंडो शॉपिंग ही कह लो या फिर कुछ सर्च कर रहा हूँ जो शायद मुझे मिल जाए, तो अगर मिला तो ले लूँगा, बट निकलते निकलते काफ़ी लेट हो गया मुझे, क्योंकि यहाँ पे एक इशू ये है कि सैटरडे एंड संडे को सारे स्टोर्स एक्सेप्ट द रेस्टोरेंट्स, सारे स्टोर्स जो है वो क्लोज जाते हैं 5 बजे तक, और मुझे यहाँ से भी जाने में शायद 1 घंटे लग जाएंगे। मौसम काफ़ी ठंडा भी हो गया है और ठंडे मौसम में ना इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है यहाँ पे, क्योंकि जब एक अभी ऐसा टाइम चल रहा है ना, हवा जो है वो काफ़ी ठंडी आने लगी है, तो इस टाइम पे अगर आपके पास ये है ना तो सबसे बेस्ट है, आपके कान ढके रहेंगे। तो ऑलमोस्ट 5 मिनट के वॉक पे मेरे घर से मेट्रो स्टेशन है। तो ये है मेट्रो का एग्ज़िट और यहाँ आप देख रहे हो ना, यहाँ से मार्केट स्टार्ट जाता है। तो बेसिकली मैं मेट्रो के बाहर नहीं आया हूँ, ये अंडरग्राउंड ही है अभी, और अंडरग्राउंड में ही मार्केट है। तो ये ऐसा बिल्डअप इसलिए किया गया था, ये सिटी पूरी जो है वहाँ पे अंडरग्राउंड एरिया है ताकि आप शॉपिंग वगैरह जो है विंटर के टाइम पे कर सको, और जब बर्फ़ पड़ती है तो आराम से आप शॉपिंग तो कर सको, एटलीस्ट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये यहाँ का बहुत ही पुराना मार्केट है और यहाँ की यही ब्यूटी है, क्योंकि जब आप समर में होते हो तो समर में तो आप बाहर इंजॉय करते हो, विंटर में यहाँ का मार्केट जो है पूरा बूम पे रहता है, बहुत अच्छी खासी शॉपिंग होती है, सब लोग पूरे अंदर ही अंदर शॉपिंग करते हैं और अंदर ही अंदर घर चले जाते हैं, तो इसलिए मोस्टली जिनके घर मेट्रो के पास होते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट होता है। और हाउस क्राइसिस यहाँ पे इतनी पीक पे है
कि देखो लोग कहाँ कैसे बैठे हैं। पूरा ये मेट्रो का एरिया जो होता है ये लोग का सोने का एरिया होता है पूरा। देखो क्या कर सकते हैं, और ऊपर से ड्रग का तो आप जान ही रहे हो, काफ़ी अच्छी खासी पॉपुलेशन यहाँ पे ड्रग एडिक्ट है, तो सब ले लेके ड्रग्स इधर उधर भटकते हैं। और इन लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ लीगल भी कर दी, ड्रग्स तो नहीं किया लेकिन काफ़ी सारी चीज़ लीगल कर दी, जो लीगल होने की वजह से लोगों को और फ्रीडम मिल गया और इन लोगों ने उसका मतलब बहुत ही फ़ायदा उठाया है, अच्छा खासा फ़ायदा उठाया है बहुत। तो क्रिसमस की तैयारी शुरू हो गई है, काफ़ी चीज़ें सजने लगी हैं बहुत सारी जगह पे। मैंने देखा था कल भी जब मैं निकला था तो लाइट्स वगैरह लग रही हैं, इवन हमारे बिल्डिंग के सामने भी जो हिल्टन है और पूरा एरिया वो होटल वाला है जहाँ हमारा बिल्डिंग है, वो काफ़ी अच्छा एरिया है, तो वहाँ पे भी पूरा प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया है। तो काफ़ी सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा, इसकी आइसक्रीम बहुत ही अच्छी होती है, बहुत अच्छी, काफ़ी टेस्टी होती है और बहुत महंगा भी नहीं है, बहुत अच्छा है। तो अभी फ़िलहाल नाइकी में सेल नहीं आया है और नाइकी में जो है रेट्स उतने ही थे, एक्चुअली ये नाइकी भी नहीं है, ये फूड लॉकर है जहाँ पे सारे मिक्स ब्रांड मिलते हैं, तो यहाँ पे कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है, इवन मुझे लगता है नाइकी के स्टोर से भी ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो जॉर्डन था लेकिन उस पर कोई ऑफर नहीं था फिलहाल, तो अभी एक हफ्ते बाद ही ब्लैक फ्राइडे सेल आने वाला है तो हम उसका वेट करेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि ये मार्केट एरिया बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है साइज़ में, और यहाँ पे सारे ब्रांड हैं, ऑलमोस्ट सारे लग्जरी, ऑलमोस्ट डाउनटाउन का जो सिटी है वो पूरा जो है वो अंडरग्राउंड पे है, ऑलमोस्ट 4 stories और मे बी ऑलमोस्ट 4 या 5 floor नीचे तक जाता है, ये काफ़ी डीप है सिटी के अंदर। एक्चुअली मॉन्ट्रियल सिटी में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं और यहाँ पे आर्टिस्ट को बहुत वैल्यू दिया जाता है, बहुत वैल्यू, कितना अच्छा बढ़िया बढ़िया आर्ट दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखो ये एक्चुअली जितनी भी चीज़ आप देख रहे हो ये पूरी की पूरी जो ऑर्गेनिक होती है ना वही है, ऐसा नहीं है कुछ आर्टिफिशियल सा लगा दिया कहीं से लाके। मे बी इन सारी चीज़ों का कुछ मीनिंग होगा बट मुझे मीनिंग नहीं समझ में आ रही, बस ये लग रहा है कि ये आर्ट वर्क जो भी जिसने भी किया है वो काफ़ी अच्छा किया है। तो मैंने इस बोर्ड की फ़ोटो ले ली है और फिर मैं इसे ट्रांसलेट करके पढ़ने की कोशिश करूँगा, बट दिस इज़ कम्प्लीटली अमेजिंग आर्ट, बहुत ही खूबसूरत है। तो मैं काफ़ी लंबे समय से ढूंढ रहा हूँ कि मुझे कोई विंटर के लिए बूट मिल जाए अच्छा, जो अभी फ़िलहाल तो नहीं मिला है, और जो मिला भी है वो काफ़ी हाई रेंज का है, तो ब्लैक फ्राइडे से मुझे वो अच्छे प्राइस पे मिल जाएगा और अच्छे डिस्काउंट में, तो मैं उस टाइम पे लेना प्रेफर करूँगा क्योंकि एक हफ्ते ही रह गए हैं सिर्फ, तो एक हफ्ते बाद मुझे अच्छा अगर ऑफ़र मिल जाएगा प्राइस मिल जाएगा तो क्यों ना मैं वो करूँ, क्योंकि मतलब अभी फ़िलहाल विंटर स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो आखिरी के आधे घंटे बचे हैं, जो मैं जो भी देखना है लेना है मैं ले सकता हूँ क्योंकि सारे स्टोर क्लोज़ हो रहे हैं, तो जल्दी जल्दी भाग भाग के देख रहा हूँ कुछ भी अगर दिख गया तो, क्योंकि अभी पैक्स में तो ऑफर स्टार्ट हुआ नहीं है बट फिर भी। सो बेसिकली आई नीड 16 Pro, तो 16 Pro मैं देख रहा था, चेक कर रहा था और सारे जो उनके मतलब ऑफर्स वगैरह हैं वो चेक कर रहा था कि ब्लैक फ्राइडे पे कुछ ऑफ़र आया है कि नहीं, फ़िलहाल अभी तो फ़िलहाल आया नहीं है बट ट्यूसडे को एक्सपेक्टेड है तो मैं आऊँगा, तो ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है बट फिर भी 2 दिन तो वेट कर ही सकता हूँ मैं, एंड इट्स नॉट लाइक अर्जेंट, तो मैं अपने डेटा वगैरह भी थोड़े बहुत ऐसे हैं जो, क्योंकि मैं iCloud यूज़ करता हूँ तो iCloud में बहुत डेटा हो चुका है, लेकिन आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि वो डेटा प्रॉपरली मेरे सारे अपलोड हों और शिफ्ट हों, तो मैं देखता हूँ इसके लिए अभी 2 दिन मेरे पास टाइम मिल गया है तो मैं सारी चीज़ अपलोड करके फिर आऊँगा लेने। तो सारे स्टोर बंद हो गए हैं और लोग देखो सड़कों पे आ गए हैं, तो यही होता है जनरली, और जनरली क्या होता है कि यहाँ पे 5 बजे अंधेरा रहता है, तो इसलिए ये रूल ही बन गया था, सिस्टम बना दिया था कि स्टोर वगैरह 5 बजे बंद कर देंगे, बस आप 5 बजे के बाद यही कर सकते हो कि आप डिनर पे जा सकते हो। और ठंड आने का एक मैंने बड़ा जो चेंज देखा है वो ये है कि जितने भी आउटसाइड सिटिंग रेस्टोरेंट थे सारे अंदर हो गए हैं शिफ्ट अप, तो अब कोई भी बाहर बैठ के अब जो है वो चिलिंग आउट वाला सिस्टम ख़त्म। तो समर ही जो होता है वहाँ यहाँ का एडवांटेज होता है, उसी में जो मज़े करने होते हैं लोग करते हैं, विंटर में जो स्पोर्ट्स वाले हैं
वो थोड़े मज़े कर पाते हैं जो जिन्हें ऐसा होता है कि स्कीइंग वगैरह आता है, या फिर यहाँ पे बहुत सारे लोग ब्लेड्स पे यू नो स्केटिंग करते हैं, तो वो जो टाइम है वही उनके लिए इन्जॉय करने के लिए है और उनके लिए अच्छा होता है, हमारे लिए तो नहीं है, हमें आता नहीं है। कोशिश करेंगे इस बार, तो मौका बहुत रहेगा सीखने के लिए 4-5 महीने। और ये जगह जो है ये बहुत ही अच्छी जगह लगती है मुझे, क्योंकि मैं जनरली जब कभी थोड़ा ऐसा फील करता हूँ कि कहीं चलते हैं बैठते हैं, तो मैं आता हूँ यहीं बैठता हूँ। पूरे समर में जितना भी टाइम था यहाँ इवेंट होता रहा और काफ़ी मज़ा आता था यहाँ पे, कुछ ना कुछ होता था यहाँ पक्का, लाइट वगैरह लगा के कुछ ना कुछ करते थे। लुक एट द व्यू, क्या व्यू आ रहा है, मस्त बिल्डिंग्स हैं, पहाड़ भी है और काफ़ी अच्छा माहौल है। तो जो लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, किसी ने भी 16 प्रो लिया है तो वो मुझे उसके प्रोज एंड कॉन्स बता सकता है, क्योंकि मुझे जानना है। एक्चुअली वीडियोस में जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, बट उसमें ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें सही भी हों, कुछ चीज़ें वो उनकी खुद की यू नो ट्रायल होती है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जेन्युइनली एक एसेसरीज है उसको यूज़ कर रहे हो, तो ऑब्वियसली है कुछ प्रॉब्लम थोड़ी बहुत किसी के फ़ोन में आ सकती है, तो मैं यही चाहता था कि कोई जो यूज़ कर रहा है वो बता सकता है, ताकि मैं थोड़ा सा अगर कुछ ऐसा है जो मैं मेरा माइंड चेंज कर सके, तो चेंज भी हो सकता है। तो नेक्स्ट प्रायोरिटी मैं तो गूगल पिक्सल है। क्रिसमस प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है और काफ़ी अच्छा माहौल बन रहा है, और मैंने अभी तक फ़िलहाल मैंने स्ट्रीट यहाँ पे स्ट्रीट पे शॉप वगैरह नहीं देखी थी, अब मैंने देखना शुरू किया है। मे बी विंटर में लगाते होंगे लोग, लेकिन विंटर में तो बाहर और नहीं लगाना चाहिए यार इन्हें। तो मुझे तो विंटर में यहाँ वॉक करने में बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि मेरे लिए शायद फर्स्ट विंटर है इसलिए भी हो सकता है, और मे बी मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं वैसे भी घूमता था और मुझे अच्छा लगता है घूमना। इसलिए सारे प्लानिंग कर रहा हूँ कि विंटर्स के शू ले लूँ, ताकि मैं घूम सकूँ आराम से फ्रीली, मुझे ऐसा ना हो कि किसी रीजन की वजह से रुकना पड़े, रुकूँगा नहीं। तो जो ये स्ट्रीट है यहाँ पे सारे लग्जरी ब्रांड्स जो हैं वो है, और जनरली होता क्या है यहाँ पे कि जो अंडरग्राउंड मार्केट है उसके ऊपर का जो मेन एंट्री होता है शॉप्स का वो यहाँ होता है, तो यहाँ से आप एंटर कर सकते भी हो और अंदर से मेट्रो के साइड से भी कर सकते हो। तो ये दो दो फ्लोर के होते हैं, तो नीचे वाले फ्लोर से आप एंटर करते हो मेट्रो लाइन से और बाहर निकलना तो निकल सकते हो। और शूज़ के मामले में और बूट्स के मामले में मेरा एक फेवरेट ब्रांड जो अभी बिल्ड हुआ है मेरे माइंड में वो ये है, स्टीव मैडन। ये बहुत अच्छा है, इसके जो शूज़ हैं उसके लेदर वगैरह की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत अमेजिंग। अगर मेरी माने तो आप एक बार ट्राई करना चाहिए, अगर कोई भी ऐसा है जिसको ट्राई करने का मन है ऐसा कुछ, तो पक्का ट्राई करना चाहिए, बहुत अच्छा है। दिस परचेज यू विल नेवर रिग्रेट इन योर लाइफ, मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ इस चीज़ का, क्योंकि मैंने देखा है ऐसा क्वालिटी बहुत अच्छा है, अमेजिंग। और जैकेट्स वगैरह के लिए ये यहाँ का सबसे ज़्यादा अच्छा ब्रांड है, लोकल ब्रांड है यहाँ का, लोकल इन द सेंस वो वाला लोकल नहीं लोकल मतलब कि कनाडा का ब्रांड है, तो अच्छा काफ़ी नामी ब्रांड है। तो हम आ गए हैं सबके फेवरेट H&M के पास, एक बात तो है सारे इंडियन लोग के लिए फेवरेट ही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे रीज़नेबल, खासकर लड़कियों के लिए काफ़ी रीज़नेबल और काफ़ी अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। मैंने सोचा कि ना मैं भी चल के देखूँ कुछ तो ऑफर में या रीज़नेबल, तो देखते हैं मिल गया कुछ तो ले लेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई पसंद नहीं आया, कुछ भी नहीं पसंद आया। जैसा कि मैंने पहले कहा था, सिर्फ लड़कियों की भीड़ है और लड़कियों के कपड़ों पे ऑफ़र है यहाँ पे, तो उनके लिए होता है बेसिकली यहाँ पे H&M में, मैंने देखा अभी तक तो कभी कभी ऐसा होता है वंस इन अ वाइल्ड के कुछ आता है हमारे लिए ऑफ़र यहाँ पे। और ये जो ब्रांड है ये ऑलमोस्ट इसका मैन्युफैक्चरिंग मॉन्ट्रियल में भी होता है और कनाडा में कुछ ही जगह पे होता है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव कह सकते हैं बाकी कॉम्पिटिटिव ब्रांड के हिसाब से, और काफ़ी अच्छा क्वालिटी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, एक्सपेंसिव ज़रूर है लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। तो आपको देख के लग रहा होगा कि शायद शाम के 6-7 बज रहे होंगे, बट अभी 4:30 बज रहा है, तो कितना ही ज़्यादा वेदर जो है यहाँ पे चेंज होने के बाद टाइम चेंज आता है। एक्चुअली यहाँ पे डेलाइट सेविंग जब ख़त्म होती है तो भी थोड़ा चेंजेस आता है, बट बेसिक रीज़न वो नहीं है, मेन तो रीज़न ये है कि यहाँ पे दिन छोटे लंबे बहुत थोड़ा बहुत हो तो चल भी जाए, बहुत ज़्यादा होता है। तो रात तो हो गई है,
और काफ़ी ठंड भी बढ़ रही है बहुत तेज़ी से, तो मेरा प्लान थोड़ा ऐसा हो रहा है कि मैं तो ऐसा था कि बाहर ही कुछ खा लूँगा, बट रूममेट्स ने बोला कि नहीं, कुछ बाहर खाने से अच्छा है कि घर पे बनाते हैं अच्छा कुछ, और टाइम भी काफ़ी है हमारे पास अभी, तो देखते हैं। तो फिलहाल तो आप ये देखो, एक बड़ी जाइंट रेंज रोवर आप सब जानते हैं, और एक ये मुझे तो ये बेस्ट ऑफ बेस्ट कार लगती है, बहुत मस्त लगती है मुझे। इसकी जो कन्वर्टिबल आते हैं फाइव डोर्स वाले, वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और जैसे ठंड बड़ी, मैंने हेडफोन पहन लिया है ताकि ठंड से बच सकूं। और ऑन द वे जो जो दिख रहा है वो दिखा सकूं। देखो क्या मस्त, एक अमेजिंग सा डेकोरेशन हुआ है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है वाइट लाइट्स। वाइट लाइट्स का भी अलग हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, ब्यूटीफुल। तो मिस क्रिसमस की ये जो तैयारी हो रही है ना, ये काफ़ी अच्छी है। आई रियली लाइक दिस वाइट लाइट्स, बहुत अच्छी लाइट है। तो फाइनल प्लान मेरा ये है कि अब मैं जा रहा हूँ घर, और घर जाके थोड़े बहुत कुछ तो शायद मेरे रूममेट्स ने बनाया है वो थोड़ा बहुत खाऊँगा, और आज जो है फिर आराम करूँगा क्योंकि कल से मेरा ऑफिस स्टार्ट हो रहा है, तो थोड़ा रिलैक्स होऊंगा क्योंकि मैं काफ़ी भाग दौड़ किया है मैंने पिछले दो दिन में, तो थोड़ा रिलैक्स होऊंगा और कल से कुछ नए प्लान्स हैं मेरे, तो उस प्लान के अकॉर्डिंग काम करूँगा।